हेलो एवरीवन, हेलो। तो आज बहुत ही स्पेशल वीडियो है, वो इसलिए क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते हैं कि शेयर योर रूटीन। सो रेगुलर डेली रूटीन नहीं, बट हाँ, हमारा वीकेंड स्पेशल एक्टिविटी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो वीकेंड्स पे समायरा अपनी फेवरेट फ्रेंड को मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिलने आती है। एवरी वीकेंड ना सही तो ऑल्टरनेट वीकेंड तो आती ही है। और आपको अभी बताती हूँ कि इसकी फेवरेट फ्रेंड कौन है, बहुत स्पेशल है। हम उसकी फेवरेट फ्रेंड से मिलने आते हैं तो समायरा कहती है कि मम्मा, मुझे एक गिगल विगल हो रहा है स्टमक में, वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है। सी, सो नाउ वी आर गोइंग टू शो यू कि कौन है। समायरा की फेवरेट फ्रेंड कौन है? ये क्यूट लिटिल दो डॉगीज हैं, जिसमें से समायरा की मोस्ट फेवरेट है ये क्यूट सी प्रेशियस, जिसके लिए समायरा दीवानी है। और अल्टरनेट वीकेंड में तो वो मुझे बोलती ही है कि मुझे आना है प्रेशियस से मिलने के लिए। सो बस, वी हैव कम हियर फॉर समायरा फेवरेट टाइम। ओके, सो सिर्फ प्रेशियस ही नहीं, एक और क्यूट लिटिल सा डॉगी है यहाँ पे, हिज नेम इज बनी, जो बेचारा बहुत ही सीधा साधा सा है। और प्रेशियस इज द नॉटी वन, बनी, दैट्स बनी, एंड दिस क्यूट लिटिल थिंग इज प्रेशियस। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रेशियस और बनी जो है ये हमें मिले कैसे। सो वी हैव कम टू माई वेरी वेरी डियर फ्रेंड्स हाउस, जिन्होंने घंटी बजाई है और उनके आने से पहले ही हम आ गए। सो अब हम उनको उनके ही घर में रिसीव करने वाले हैं। ओके, हेलो, इसको बोलते हैं वेलकम, वेलकम, आपका स्वागत है आप ही के घर में। ऐसा है ना कि ये नवीन बाबा जी को मैं हमेशा ऐसे तवे पे रखती हूँ कि उनको हमेशा ऐसे खट्टू पर टाइम देके बोलती हूँ कि योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब ये मेरे आते हैं और अगर मुझे कोई टाइम देते हैं और वो टाइम पे नहीं पहुँचे होते, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक, एक मिनट हमेशा पहले पहुँचा हो, एक मिनट। सो आज 8 बजे आना था तो मैं इस चक्कर में था कि मैं 7:45 आ जाऊंगा, एंड आई विल सेंड यू द सेम मैसेज, योर टाइम इज टिकिंग। So, मैंने क्या किया, स्मार्टनेस दिखाई, इनको बोला कि हम 8 बजे आएंगे, लेकिन मुझे पता था कि हम 7:30 तक आ जाएंगे, ताकि ये प्रेशर इन पे बने, हम पे नहीं। भद्र भाषा में स्मार्टनेस नहीं, चंट चंटता दिखाई। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, हमारे हमारे देश के बहुत ही कमाल और बढ़िया एक्टर हैं, और अभी फिलहाल तो ये बचपन से दिल्ली में रह लिए हैं। और ये है हमारी बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी दोस्त जूही। सो तो प्लान क्या है मैं बताती हूँ हमारा, मैं देखिए तो हम मैं इनको बता रही थी कि हमारी वीकेंड की फेवरेट एक्टिविटी क्या है। ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड समायरा कहती है कि उसे उसकी फेवरेट फ्रेंड से मिलना है, जो है प्रेशियस। और मेरी फेवरेट एक्टिविटी क्या है,
कि नवीन बाबा जी जो है ये एक्टर तो बहुत कमाल है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत कमाल कुक भी हैं। तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं। सवारा सीटी मत बजाओ बीच बीच में, ये बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं और हर बार कुछ ऐसा कमाल कमाल बना के खिलाते हैं। तो वीकेंड पे समायरा को मज़ा आता है जब वो मिलती है प्रेशियस से, और मुझे मज़ा आता है जब मैं खाती हूँ इनके हाथ का बना प्रेशियस खाना। वो प्रेशियस खाना नहीं होता, वो यूं ही मैं टाइम पास में कुछ कुछ बनाता हूँ। इनकी वो क्या बोलते हैं, वो नियत अच्छी होती है कि इनको पसंद आता है। तो और मेरा यू नो आई गेट अ लॉट ऑफ आज आप खुद देखिएगा जो ये बनाएंगे, बेढंगा सा मटन। तो बेढंगा मटन होगा लेकिन वो बहुत टेस्टी होगा। वो क्या बनाएंगे इनको खुद पता नहीं क्या क्या। बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ये नए साल में मटन खाया ही नहीं है, तो बनाया भी नहीं। और ये मटन की रेसिपी जो है ये बहुत स्पेशल है क्योंकि इनको खुद को ये बनाते बनाते कुछ ना कुछ एडिशंस करते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि इनके मटन की रेसिपी को कैद कर लिया जाए कैमरा में ताकि आप सबके पास वो रेसिपी हो और आप लोग ये ना कहें कि अच्छा क्या डाला था मुझे याद नहीं। और बना के जब खाएं तो प्लीज गाली मत दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी बोलिए अच्छा है अच्छा है, जैसे ये बोलती है। नहीं बहुत अच्छा। और देसी मटन, देसी इसलिए क्योंकि देसी तरीके से बनाता हूँ। अब ऐसा है कि गृहणियाँ जो होती हैं या लेडीज होती है घर की, वो बहुत एकदम सिस्टमैटिक होती है, बड़ी अच्छे से बनाती है। मैं जरा देसी तरीके से बना रहा हूँ, सो प्लीज बेयर विथ मी। ये 750 ग्राम्स मटन, इसके लिए मैंने 5 प्याज चॉप करवाए हैं, चॉप अगर छोटे छोटे थे इसलिए, बड़े हो तो 4 भी चलते हैं। ये हरी मिर्ची है करीब 3 से 4। अदरक को इसलिए ऐसा रखा है कि खाते वक्त थोड़ा थोड़ा मुँह में आता तो अच्छा लगता है। बाकी दिस इज जीरा, इसमें मैंने सूखा मसाला जो है इसलिए अलॉन्ग विथ लहसुन, जैसे 2 लाल मिर्च डाल दी, इसमें लौंग भी डाल दिया, अलॉन्ग नहीं मोटी जो इलायची होती है, और दालचीनी, तो उसका जरा अलग फ्लेवर आएगा। और लाल मिर्च थी, वो सूखी थी, लाल सूखी मिर्च और हरी वाली मिर्च भी है, ताकि जरा लाइफ में मजा आए ना, टेस्ट भी आना बड़ा जरूरी स्पाइसी। में अब हम डालेंगे एक कच्चा सरसों का तेल जिसको पकाया नहीं हुआ, कच्चा है। ऑलरेडी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही ना कच्चे सरसों के तेल की, आई गॉट टेल यू। धीमी आंच में 40-45 मिनट्स, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। So, ये देखिए पानी सूख चुका है और बढ़िया बढ़िया तेल निकल रहा है और इसकी खुशबू अभी तो आधा पका है ये।
गजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। गजनबी हसीना से गाना है जो इस कैरियो की लिस्ट में नहीं है लेकिन मेरी कैरियो की लिस्ट में है और वो मैं हमेशा समायरा के लिए गाती हूँ। अगर मैं वो गाना ना गाऊँ तो मेरे लिए कैरियो के गाना पूरा नहीं हुआ, और वो सॉन्ग मैं हमेशा समायरा को डेडिकेट करती हूँ। एंड दैट्स व्हेन मुझे लगता है कि ओके वो सेशन जो है वो सफल हुआ। तो कौन सा सॉन्ग है समायरा? यस, सो आई डोंट हैव दैट सॉन्ग इन दिस लिस्ट,
बट आई विल स्टिल सिंग दैट सॉन्ग विदाउट म्यूजिक फॉर समायरा, वरना मुझे लगेगा कि इनकम्प्लीट रह गया है ना. आओ तुम्हें चांद ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए. हो आओ तुम्हें चांद ले जाए. So wish कि आप लोग ये खा सकते होते जो इन्होंने बनाया है. खराब है. माइंड ब्लोइंगली टेस्टी. ये रेसिपी आप जरूर 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 ट्राई कीजिए. ट्रस्ट मी यू विल लव इट बिकॉज इट इज सो टेस्टी. अभी बात नहीं होगी, अभी खाएंगे. ठीक है, खाओ. यू हैव नो आइडिया हाउ यमी इट इज. और जो इसमें अदरक का टेस्ट आ रहा है ना, उफ, इट्स माइंड ब्लोइंग. आई एम सो लकी टू हैव अ फ्रेंड हु कुक्स लाइक दिस. और आप लोग सो लकी कि आपको मेरे दोस्त की रेसिपी पता चल गई है. देसी वाली रेसिपी. सो हमारे मित्र जो ये खाना बनाते हैं, इसका मजा हम उठा रहे हैं. और आप लोग ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी. बनाने के बाद, ट्राई करने के बाद जरूर बताइए.